रिलेटेड ताकत। व्यायाम तो बहुत है, लेकिन एक ऐसा भी व्यायाम है जो आपको सुपर ह्यूमन जितना ताकतवर बना देगा। उस व्यायाम का नाम है राममूर्ति व्यायाम। इस व्यायाम को करने के कारण ही राममूर्ति जी सुपर ह्यूमन बन गए थे। उनके अंदर इतना अधिक बल था कि वे दो दो मोटरें रोक लेते थे, हाथी को छाती पर चढ़ा लेते थे और भी बहुत कुछ। उनके अंदर दिव्य बल था, वे अपनी ताकत को अनलॉक कर चुके थे और उनके अंदर एक अलग ही लेवल की ताकत थी। अब सामान्य व्यायाम से तो ऐसा नहीं होगा, अपनी ताकत की लिमिट को तोड़ने के लिए व्यायाम का भी अनलिमिटेड होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा, राममूर्ति जी दंड बैठक लगाते थे, वो भी धीरे धीरे कुंभक के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें अनलिमिटेड क्या है? मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हम मध्यम गति से या तेज गति से दंड लगाकर ताकत बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अगर आप दंडों की संख्या बढ़ाकर ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी एक लिमिट है। सबके पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप मेहनत करके 3000 तक दंडों की संख्या बढ़ा लेते हैं और आप एक दंड 5 सेकंड की लगाते हैं तो 4 घंटे तो आपके दंडों में ही भाग जाएंगे। बैठक और प्राणायाम रहा अलग, इसके बाद खाना पीना सोना रहा अलग, कब तक संख्या बढ़ाओगे? लेकिन राममूर्ति व्यायाम में ऐसा नहीं है। राममूर्ति व्यायाम धीरे धीरे किया जाता है और इसमें दंड का समय बढ़ाया जाता है, ना कि संख्या। अगर आप 6 मिनट की 4 या 5 दंड लगाते हैं तो 6×5=30, आधे घंटे में दंड और 1.5-2 घंटे में बैठक और प्राणायाम, कहां तक समय बढ़ाओगे? यही इस व्यायाम की खासियत है। और इस व्यायाम का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इतने मिनट की ही दंड लगानी है, बिना तकलीफ के जितनी देर तक लगा सकते हो लगाओ। बात रही संख्या की, तो हर दंड को अपना 100% दो, क्योंकि समय बढ़ाना है ना कि संख्या। अपने 100% के साथ जितनी दंड लगा सकते हो लगाओ। अब यह मत सोचना कि 10 से ऊपर संख्या चली गई तो, 10 से ऊपर तो संख्या वैसे भी नहीं जाएगी। अगर आप हर दंड को 100% देंगे, 5 या 7 दंडों में ही आप चित हो जाएंगे। और यह मैं पहले ही बता चुका हूँ, जबरदस्ती दंड का समय नहीं बढ़ाना है। और हाँ, नीचे जाने और ऊपर आने का भी कोई फिक्स समय नहीं है। जितनी देर में नीचे जा सके जाएं और जितनी देर में वापस आ सके आए, मन में गिनती भी नहीं करनी है। पूरा फोकस दंड पर रहना चाहिए। बैठक में भी यही सब होगा। यही सब इस व्यायाम को अनलिमिटेड की ओर ले जाता है। व्यायाम ना तो मध्यम गति से करना है और ना ही तेज। व्यायाम धीरे धीरे कुंभक के साथ करना है। इस व्यायाम को करने से मसल्स भी नहीं टूटती, आरंभ में थोड़ी बहुत टूटती है, वो भी प्राण शक्ति द्वारा जुड़कर फौलाद बन जाती है। राममूर्ति व्यायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, जिस कारण पूरा शरीर कठोर और ताकतवर हो जाता है। राममूर्ति व्यायाम से हमारे फेफड़े महाशक्तिशाली बन जाते हैं, जिस कारण हम थकते नहीं हैं। और ज्यादा प्राण वायु लेने के कारण हमारा शरीर शक्तिशाली बन जाता है। शरीर के अलग अलग अंगों के व्यायाम करने की भी आवश्यकता नहीं होती, सब धातुएं सही से बनती है। वीर्य बढ़कर ओज और बल में बदल जाता है और आप बन जाते हैं महामानव। प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए यह वीडियो देखें, वरना यह वीडियो देखें। हर हर महादेव।